नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारायण मीडिया। मैं हूं राकेश। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार फुटपाथी दुकानदारों के लिए 10,000 रुपये का आसान ऋण की सुविधा दी है, वहीं किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। कल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने फुटपाथी दुकानदारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वो फुटपाथ पर चाहे कपड़ा बेचने वाले हों, सब्जी हो, फ्रूट्स हो, फल हो, या चर्मकार हो, जूता बनाने वाले लोग हो, नाई हो, सैलून की दुकान चलाने वाले लोग हो, यानी जितने लोग जो फुटपाथ पर ही बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, कोई ना कोई सामान बेचकर, उन सभी लोगों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का ऐलान किया गया है, जिसमें ऐसे फुटपाथी दुकानदारों के लिए बैंकों के द्वारा 10,000 रुपये का अधिकतम कर्ज दिया जाएगा और एक साल के अंदर उनको मासिक किस्त पर उस रकम को वापस करना है। जो ससमय वापस कर देंगे उनको 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा। यानी अगर 10,000 का ऋण लिया है तो भारत सरकार जो है 700 रुपये उसके खाते में और ट्रांसफ़र करने का काम करेगी। मैं सभी जो नगर विकास के अंतर्गत जितने नगर निकाय हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि अपने अपने नगर निकाय में, अपने अपने बाज़ार में वो सर्वेक्षण कराएं, ऐसे कौन कौन दुकानदार हैं, उनका आधार नंबर, उनका बैंक खाता, और ऐसे सभी लोगों को बैंकों के द्वारा और कर्ज दिलाने का हम काम करेंगे। मैं बैंकों से भी आग्रह करूंगा कि इन गरीब तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऋण देने का काम करें। उसी प्रकार मित्रों, जो बिहार में किसान हैं वो क्रॉप लोन यानि जो फसल के लिए जो ऋण लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, तो वैसे किसान जिनके ऋण की राशि 31 मार्च 2020 तक जो बकाया है, अगर उसका भुगतान वो अगर 31 अगस्त तक करते हैं तो उनको केवल 4% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 6 महीने का समय दिया गया है कि जो बकाया था मार्च के अंत तक, उसका अगर 31 अगस्त तक अगर भुगतान कर देंगे तो जहाँ उनको 9 से 10% ब्याज देना पड़ता, वहाँ की उनको 4% ब्याज देना पड़ेगा। मैं सभी किसान भाइयों से अपील करूँगा, जो जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड से जिन्होंने ऋण लिया है, कि वो 31 अगस्त के पहले अपने ऋण का भुगतान कर दें ताकि आपको केवल 4% ब्याज देना पड़ेगा।